कैमरे की अपनी रिकॉर्डिंग है वो तो अपने सुबह ही मिलेगी। ये FIR कटवाई है वो पर्ची है। हाँ, जो होने का था वो हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल समीना मुस्तफ़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं फिर से वेलकम बैक हुई हूँ अपने व्लॉग में। और जी, मैं दो दिन से व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। गले में बहुत दर्द था और गला पूरा ख़राब हुआ हुआ था। सही बात नहीं कर सक रही थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी। इस वजह से बुखार चढ़ गया था तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। और उसके बाद फिर जो परेशानी आई है हमारे ऊपर, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे। वो कहते हैं ना कि जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है, तो वही कुछ सीन हमारे साथ हो गया है। असल में हुआ ये है कि पहले हस्बैंड का मोबाइल ख़राब हुआ, स्क्रीन उसकी पूरी ख़राब हो गई थी, और उसके बाद हमारी आज बाइक चोरी हो गई है। हस्बैंड से मैं बात करती हूँ, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से चोरी हो गई और कहाँ से हुई, तो ये सब मैं पूछती हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे पहले मैं आपको अपने हस्बैंड का मोबाइल दिखाऊँ। यहाँ पे देखेंगे, हस्बैंड का मोबाइल गिर गया था जो कि इनकी जेब में पड़ा हुआ था, और ये पता नहीं कैसे बाहर ही थे और गिर गया मोबाइल जेब से ही। और अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये कि स्क्रीन इसकी टच कर रही है, सिर्फ इसके शीशे पे स्क्रैच आए हैं, तो फ़िलहाल तो चलने जैसा ही है। लेकिन अल्लाह ने इस नुकसान से हमें बचाया, तो इससे बड़ा नुकसान हो गया हमारा। आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि हमारी बाइक कैसे चोरी हो गई। मैं कल अपना शेरशाह से आ रहा था, तो मैंने बोला कि पैसे निकाल लेता हूँ शेरशाह से, घर के लिए पैसे नहीं थे। वहाँ पे बाइक खड़ी करी अपने बैंक अल्फला के पास, अपने मीरा नगर रोड है ना, इस तरफ बाइक खड़ी करी। मैं अंदर गया, मैं पैसे निकाले, तकरीबन दो या तीन मिनट का कोई गैप होगा। तो इतने में मैं बाहर आया तो बाइक थी नहीं। फिर मैं आया, फिर मैं वहाँ से अपने एक और बंदा खड़ा हुआ था, तो वो उससे मैंने बोला यार यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी, बोला यार मैं अभी आया हूँ। तो उसके बाद फिर वो अपना मैंने रश्का रोका अपना आगे पीछे गया रश्के में बैठ के। फिर ऐसे करते करते लोग भी जमा हुए। फिर उसके बाद अपना मैंने 15 को फ़ोन किया। हाँ, 15 को फ़ोन करने के बाद 15 ने बोला कि हमारे इलाके के जो वो है ना थाने, उनको है ना रेस्क्यू करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आया कि आपकी बाइक कहाँ हुई है, वो सब पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप शेरशाह थाने में आए। फिर शेरशाह थाने गया, तो उन्होंने जो है वो मुझे पर्चा करके दे दिया और बोला अपना जो कैमरे की अपनी रिकॉर्डिंग है वो तो अपने सुबह ही मिलेगी। तो सुबह फिर थाने गया, अपने थाने वालों ने बोला कि अपने कैमरे वाले का नंबर दिया, जो इनका जो IT का वो है डिपार्टमेंट में लोग, उसका नंबर दिया। उन्होंने अभी तक फ़ोन उठाया ही नहीं। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आया बैंक, अपने वही बैंक जहाँ पे कल हुआ वाक्य में। तो उन बैंक वालों से मैंने रिक्वेस्ट करी, उनको मैंने FIR की कॉपी बताई, तो उन्होंने जो है वो ना मुझे अपना फुटेज निकाल के दी, अपना फुटेज निकाल के बताई। ये वाक्य था 8:21 का, और उसके बाद फिर मैंने पूरी वीडियो देखी। जैसे मैं अंदर घुसा ना, तो उस तरफ है ना एक हीरोनची बैठा हुआ था, जो वो हीरोन वगैरह पीते, चर्स वगैरह पीते, तो वही आया और उसने जो है ना वो निकाली, वो अपना उठाई और उसे किक मारी और वो ले गया। मैंने पूरी फुटेज देखी, लेकिन उसका रात का टाइम था तो उसका चेहरा जो है ना वो वाजे नहीं हुआ। अब अल्लाह मालिक की दुआ करें। ये FIR कटवाई है वो पर्ची है। हाँ, कंप्लेन की FIR पक्की तो अब होगी। ये कंप्लेन की पर्ची, कंप्लेन की है। तो बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह से दुआ है कि हमारी बाइक मिल जाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारी बाइक मिल जाए और आप लोग भी अपनी चीज़ों की हिफाज़त किया करें, क्योंकि आजकल दौर बहुत ख़राब है। कोई भी चीज़ ऐसे इंसान थोड़ी देर के लिए भी रखता है तो गायब हो जाती है फौरन। तो आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि हमारी बाइक मिल जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूँ, जो होने का था वो हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं भी बाइक खड़ी करें, कहीं भी कोई चीज़ खड़ी करें, अपनी चीज़ की हिफाज़त करें, बाइक को लॉक करें, सिंगल लॉक भी नहीं बल्कि डबल लॉक करें। मुझे बहुत बड़ी एक अपनी नसीहत मिल गई,
یہ ہے کہ بس دعا کریں, آپ اپنے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک دیکھیں اتوار اپنے انشاءاللہ اتوار تک انشاءاللہ دوسری بائک لیں گے. تو آپ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو, آپ لوگ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اور آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.